بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, take out page number 7, unit 1. Listen carefully. Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam proved by his own example that no one could be more firm for justice than him in this world, even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. He decided every case brought to him by a friend or a foe with justice, without the fear of favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone whose hope is in Allah and the last day and who remembers Allah upon. Now students, listen carefully. Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam proved by his own example. Allah ke Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne amali taur par sabit kiya that no one could be more firm for justice than him in this world. कि इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इंसाफ के लिए कोई और साबित कदम नहीं हो सकता. इवन इफ इट वाज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट आर द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु वर नियर एंड डियर टू हिम. यहाँ तक कि अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफाद में था या उनके मफाद के खिलाफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और अजीज थे. Allah's messengers proved by his own example that no one could be more firm for justice than him in this world. Allah ke Rasool sallallahu alaihi wasallam ne amali taur par sabit kiya ke is duniya mein aap sallallahu alaihi wasallam se badhkar insaaf ke liye koi aur sabit kadam nahi ho sakta. Even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. यहाँ तक कि अगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मफाद में था या उनके मफाद के खिलाफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और अजीज थे. He decided every case brought to him by a friend or a foe with justice, without the fear of favor. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए जाने वाले हर मामले का फैसला चाहे वो दोस्त लेकर आया या दुश्मन. फो मीन्स दुश्मन. विद जस्टिस हमेशा इंसाफ के साथ फैसला करते बिना किसी एहसान के डर से, बिना किसी मेहरबानी के डर से. ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय अ फ्रेंड और अ फो विद जस्टिस विदाउट द फियर ऑफ फेवर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए जाने वाले हर मामले का फैसला चाहे वो दोस्त लेकर आए या दुश्मन हमेशा इंसाफ के साथ फैसला किया. यानी दुश्मन कोई फैसला लाते या दोस्त, तो ये ना करते कि दुश्मन के खिलाफ फैसला करते या दोस्त के हक में फैसला करते. हमेशा इंसाफ का मामला रखा. अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस. एक ऐसा बंदा जो अजमत में बाकमाल हो. अ पर्सन ऑफ सच मैग्नीट्यूड ट्रांसेंड्स द बैरियर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस. एक ऐसा बंदा जो अजमत में बाकमाल हो वो वक्त और जगह की रुकावटों को पार कर सकता है. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमेशा के लिए एक अजीम नमूना है जिसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं. पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स. पीपल ऑफ ऑल एजेस हर उम्र के लोग कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ उनकी ज़िंदगी में
कुछ पा सकते हैं टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स खुद की रहनुमाई के लिए अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ सरगर्मियों या शोबों में People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields. यानी हर उम्र के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रहनुमाई के लिए कुछ तलाश कर सकते हैं The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. कुरान करीम ने वाज़ह तौर पर उनकी ज़िंदगी के इस पहलू का जिक्र किया है There has certainly been for you in the Messenger of Allah an excellent pattern for anyone. बेशक अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन मिसाल है एक बेहतरीन नमूना है उन लोगों के लिए वो सौप इज़ इन अल्लाह जो उम्मीद रखते हों अल्लाह के साथ मुलाकात में एंड द लास्ट डे और क़यामत के दिन पर एंड हु रिमेंबर्स अल्लाह अपन और वो जो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं यानी अल्लाह को बहुत याद करते हैं द होली कुरान क्लियरली मेंशंस दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ कुरान करीम ने वाज़ह तौर पर उनकी ज़िंदगी के इस पहलू का जिक्र किया है देयर हैज़ सर्टेनली बीन फॉर यू इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एन एक्सलेंट पैटर्न फॉर एनीवन बेशक अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेहतरीन मिसाल है उन लोगों के लिए वो सौप इज़ इन अल्लाह जो उम्मीद रखते हैं अल्लाह के साथ मुलाकात में एंड द लास्ट डे और क़यामत के दिन पर एंड हु रिमेंबर्स अल्लाह अपन और वो जो अल्लाह को कसर से याद करते हैं स्टूडेंट्स दिस वॉज टूडेज लेसन आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ होमवर्क लिसन केयरफुली How does the Holy Quran describe the personality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Listen carefully. How does the Holy Quran describe the personality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Listen again. How does the Holy Quran describe the personality of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Soon, this is your homework. You have to write the answer of this question in your rough notebooks. Soon, this was today's lesson. I hope you understand. Thanks for watching. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. وزدنا علماً